तो आज सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठा था, भूख लगी थी और मैंने डायरेक्टली लंच रेडी था तो लंच ही कर लिया। दूसरी तरफ बड़ौदा में इसका ब्रेकफास्ट टाइम हुआ था वो कर रही थी और वो भी नींबू पानी के साथ। सुबह सुबह इतना खट्टा मैं तैयार हो चुका था, निकुंज आया हुआ था, ये वाला बंपर तो रिपेयर होने सकता, नया चलाना पड़ेगा। पर कल रात को एक एक्टिवा मेरे पीछे वाले बंपर में घुस गया था जिसके वजह से बंपर पूरा नीचे आ गया था, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। निकल ही रहे थे कि अंकिता का फोन आ गया, भाई गर्मी इस बार कुछ ज्यादा तेज लग रही है, एसी की थोड़ी देर हवा खाई। फिर कार्स फार्म में गए कार का रैप देखने के लिए, भाई बहुत ही ज्यादा गजब लग रही है, पूरा वीडियो आपको पिनकॉन मिल जाएगा, देखना मत भूलना। अंकिता ने अपने घर पे भैया को एक छोटे से स्टूल पर चढ़ा रखा है पंखा रिपेयर करना है, पर उन्होंने कर दिया। फाइनली अब इसका लंच टाइम है, वो भी इतना यमी आम के साथ। हम लोग यहाँ वहाँ भटक रहे थे कि एक बंपर रिपेयर करने वाले भैया मिल जाए जो कहीं दिखी नहीं रहे थे। भाई फाइनली हमको वो भैया मिले और उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। वहाँ टाइम लगे वैसा था, हम लोग सामने गए जहाँ पे काफी सारे कॉम्बो नजर आए जिसमें वड़ापाव दाबेले के कॉम्बो थे। हमने सोचा चलो ट्राई करते, वैसे फेमस लग रहे थे, बहुत ही गजब थे। साथ में फ्राइज मिली थी जो कि फ्राइज जैसी थी। रिपेयरिंग वाले भैया के लिए पार्सल कर रहे थे पर थैली वहीं भूल गए थे। वापस पहुंचे तब तक मस्त बंपर रिपेयर हो चुका था। दूसरी तरफ अंकिता निकली थी अपनी मम्मी के साथ जूडियो में शॉपिंग करने के लिए। फिर वहां से वो लोग डीमार्ट गए जहाँ पे घर की काफी शॉपिंग की। फिर घर जाके उसने बनाई हाक्का नूडल्स, वो भी बहुत ही अमी लग रही थी, उसने खाई। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, पिन कमेंट चेक कर लेना, फॉलो वीडियोस।